आज मैं रिव्यू करने आया हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट का जो कि है गर्मी और महंगी बिजली का तोर, ईरानी ब्लोअर। टोटली एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जो है ये बॉडी बनी हुई है, एल्युमिनियम में ही इसका ब्लोअर बना हुआ है। तीन टर्मिनल्स हैं तीनों साइड के ऊपर, सामने मोटर इंस्टॉल हुई हुई है, ये भी मेड इन ईरान है। यहाँ पे अगर आप इसका पानी का पाइप अपना इंस्टॉल कर देते हैं तो ये खुद ही पानी लेगा, खुद ही बंद करेगा। इसके अंदर से भी आप पानी को इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। इसकी एयर थ्रो आप देख लें, अच्छी खासी थ्रो के साथ, बल्कि जब ऑन हुआ तो मुझे एक दफा फील हुई है इसकी थ्रो। ये कह लें कि आपने एक फैन कोई भी कमरे का बंद कर दिया और आपने इसको चला लिया। साइकार इनका एक सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफाइड है। ये क्या इसकी कूलिंग जो है वो इतनी होगी कि वो एसी को भी कम्पीट कर सके? कितने वॉट की प्लेट जो है वो इसके लिए चाहिए होंगी? ये सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में तो अभी 3-4 साल 5 साल हुए हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है और ईरान के अंदर तकरीबन यूज ही यही होता है। हमारे पास यहाँ पे अभी चूंकि लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, कस्टमर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से पिछले 2-3 सालों में इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। चूंकि ये सोलर पे भी चल सकता है, उसके अलावा अच्छा। ये बहुत कम बिजली लेता है और आपका जो वर्क है वो पूरा करता है। और अगर वैसे हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो क्या इसका एक एयर कूलर से कंपैरिजन किया जा सकता है या एसी से कंपैरिजन किया जा सकता है? सर इसका कंपैरिजन आप ना तो मैं समझता हूँ एयर कूलर से कर सकते हैं ना एसी से। उसकी रीज़न ये है कि एयर कूलर भी आप लेते हैं वो भी एक कमरे के लिए या एक स्पेसिफिक स्पेस को कवर कर सकता है, जबकि एसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। जबकि ये जो कूलर आपके सामने पड़ा हुआ है इसके अंदर आप एक कनाल से लेके एक कमरे तक का कूलर आपको मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी अच्छा। और उसकी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, इनर भी सारा उसका दिखाऊंगा। ये लगवाने के बाद पूरे घर में ना हमें एसी लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही हमें कोई कूलर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, अगर आप ये कूलर लगवा लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ साइज़ हैं, अगर आप इसका सबसे बड़ा साइज़ लगवा लेते हैं तो वो तकरीबन एक कनाल के घर को मुकम्मल ठंडा कर सकता है। इसके अंदर डक्ट सिस्टम होता है, आप डक्टिंग करवा के अपने तमाम रूम्स में इसकी डक्टिंग दे सकते हैं, आपको तमाम रूम्स में बेहतरीन कूलिंग फराहम करता है। चले जी, ईरानी ब्लोअर जो कि आपको अंदर से दिखाने के लिए हमने तैयार कर लिया है, अब इसके अंदर क्या सिस्टम है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये बड़ी मशीनरी टाइप मुझे चीज़ लग रही है यूसुफ भाई। इसके अंदर टोटली एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जो है ये बॉडी बनी हुई है और उसके अलावा इसके अंदर एल्युमिनियम में ही इसका ब्लोअर बना हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये बेल्ट सिस्टम के साथ है, ठीक है। बेल्ट सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है कि ये पावरफुल थ्रो करने के काम आता है। ये अभी जो हम देख रहे हैं इसका सबसे छोटा साइज है जो कि 200 से 300 square feet एरिया को कवर करता है। सबसे बड़ा जो साइज इसमें हमारे पास अवेलेबल है फैजान भाई, वो तकरीबन 2000 square feet एरिया को कवर करता है। अच्छा। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है ये टोटली ईरानी मेड है। इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक वेरिएंट है जो खसों के साथ है और दूसरा वेरिएंट अब इस साल आया है जो पैड के साथ आ रहा है, चूंकि हमारे लोकल कूलर पैड के साथ आना शुरू हो गए हैं तो वो भी पैड के साथ आ रहा है। इसके अंदर टोटली हर चीज़ ईरानी लगी हुई है। इसके अंदर जो मोटर देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोजन मेड इन ईरान की जो है वो मोटर है। और उसके अलावा अब आपने बिजली की बात मेरे साथ की थी, जी जी, अगर मैं उसका बताता चलूँ आपको तो बिजली ये कम से कम लेता है, यानी 0.9 एम्पेयर से लेके 1.5 एम्पेयर तक टोटल ये बिजली लेता है। तो आप समझ लें कि आप तकरीबन एक पंखे की बिजली में पूरा अपना हॉल या बड़ा कमरा या समझ लें कि अगर आपका कोई 2-2.5 मरले का घर है तो उसको ठंडा कर सकते हैं इस छोटे साइज के अंदर। क्या इसकी कूलिंग जो है वो इतनी होगी कि वो एसी को भी कम्पीट कर सके? पूरी दुनिया में आज भी खस ही रिकमेंड है। अच्छा। खस की जो कूलिंग है, खस की जो एफिशिएंसी है और खस के जो मामलात हैं वो पैड से बड़े बेहतर होते हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये कंपनी, मैंने आपको बताया कि हमारे पास पैड में भी अवेलेबल है, आगे चल के मैं आपको पैड वाला जो है वो भी एक खस दिखाऊंगा जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, खस जो है वो हमारे नज़दीक पैड से ज़्यादा अच्छी कूलिंग करती है। नंबर टू, पैड के अंदर 2-3 साल चूंकि पैड एक ही चलता है उसके अंदर अक्सर फंगस और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बाद में डस्ट एलर्जी और सांस में एलर्जी भी पैदा करती है। तो खस का एक ये भी फायदा होता है कि इसके अंदर ऐसी कोई एलर्जी वगैरह का कोई फायदा ज़्यादा रिकमेंडेड ये है। जी ज़्यादा रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड है ये। और उसके अलावा कूलिंग ये पैड से ज़्यादा अच्छी करती है मेरे नज़दीक। और अगर यूसुफ भाई जिस तरह आपने बिजली की बात की है, आपने कहा कि एक पंखे जितनी वो बिजली कंज्यूम करता है सेम उतनी ही बिजली पर यह चल सकता है, तो सेम अगर हम सोलर की बात करें तो कितने वॉट की प्लेट जो हैं वो इसके लिए चाहिए होंगी अगर हम इसको सोलर पर चलाते हैं? सर आप देख लेना, मैंने आपको बताया है कि ये मैक्सिमम इसने 1.5 एम्पीयर्स लेने हैं,
तो आप अपनी प्लेट का एस्टीमेट लगा लें, आपकी जो प्लेट, एक मेरा अंदाज़ा है कोई वो 350-400 वाट के 600 वाट की एक प्लेट होती है जी। तो समझ लें कि एक प्लेट जिसके ऊपर आपके सबसे, मतलब मैं अगर कहूँ तीन चार पंखे चल सकते हैं, ये भी एक पंखा है, आप बस इसको यही गिनें, मतलब एक फैन गिने। हम ये कह सकते हैं कि एक प्लेट पे ये चल जाएगा। आप ये कह लें कि आपने एक फैन कोई भी कमरे का बंद कर दिया और आपने इसको चला लिया, बस इतनी सी बिजली इसको चाहिए। तो चला के भी देखते हैं कि इसकी स्पीड भी हमें, ताकि पता चल जाए, ऑन करें जरा ताकि आइडिया हो सके। लो ले जी, ये अच्छी खासी थ्रो के साथ, बल्कि जब ऑन हुआ तो मुझे एक दफा फील हुई है इसकी थ्रो। इसकी ये मैक्सिमम थ्रो है, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये 50 फीट तक इसकी थ्रो जो है ना है। वो मैंने नापी हुई है। यूसुफ भाई, चूँकि अभी इसके अंदर पानी नहीं है, तो जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो वो किस तरह से फंक्शन करता है? ये एक तो फ्लोट वॉल सिस्टम है, आप एक दफ़ा पानी इंस्टॉल कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पानी लेता है, ऑटोमेटिकली पानी बंद करता है, बार बार आपको पानी खोलने की या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं इसके अंदर इस तरह के 3 टर्मिनल्स हैं तीनों साइड के ऊपर, जिसके अंदर से पानी इसको मिलता है। और ये इसकी बिल्कुल सामने मोटर इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक हो गया। और ये मोटर भी जो है ये भी मेड इन ईरान है। अच्छा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाह रहा था, जो असल चीज़ वो ये थी कि अगर आपने फील किया हो तो ये आपको जो हमारे लोकल रूम एयर कूलर हैं वो साइज़ में इतने बड़े भी होते हैं, और उसके अलावा कैपेसिटी में कम एरिया को ठंडा करते हैं, उसके अलावा उनकी नॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फील करें तो इसकी सिर्फ हवा की जो आवाज़ है वो आपको महसूस होगी। यहाँ पे अगर आप इसका पानी का पाइप अपना इंस्टॉल कर देते हैं तो ये खुद ही पानी लेगा, खुद ही बंद करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये सिस्टम नहीं आपको, मतलब यहाँ पे सामने की तरफ जो है उसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है इसकी, ये छत पे जो है ये दी जाती है, इसके वाटर केव, इसके अंदर से भी आप पानी को इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसकी एयर थ्रो आप देख लें, इसकी एयर थ्रो का लेवल क्या है। तो ये अलग है, प्लास्टिक है और बड़ा वज़नी है, तकरीबन इसका भी मेरे हिसाब से कोई, अगर मैं कहूँ तो 60-70 ग्राम के करीब इसका वेट है। अच्छा। तो ये आप देख लें, इसके सामने जब मैं लेके जा रहा हूँ तो ये इसको उड़ा रहा है। तो ये भी मतलब दिया जाता है, अगर कोई बंदा इसके आगे डक्ट नहीं लगाता तो वो इस कवर को इसके आगे लगा सकता है, और मतलब कोई बच्चा वगैरह, और सेफ्टी फीचर इसके। अगर मैं इसके सबसे अहम जो इसका सवाल होता है लोगों का कि ये मिलेगा कितने का, तो उसकी अगर हम बात करें तो क्या प्राइस क्या है? हमारी शॉप लाहौर में आबिद मार्केट में ब्राइट हाउस के नाम से है। उसके अलावा अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो तकरीबन ये 50,000 रुपये से शुरू होके 25,000 रुपये तक है। अगर आप एक टन के एसी की बात करें तो वो इस वक्त आपको 200 स्क्वायर फीट के एरिया में कवर करता है, और वो 25,000 रुपये का। जबकि आप अगर इसका 25,000 रुपये वाला यूनिट लेते हैं तो एक नाल के घर को आप उससे ठंडा कर सकते हैं। बेहतरीन, मतलब मैं ये समझता हूँ कि लोगों को वो जो HVAC सिस्टम होता है वो नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि ये लगवा लें और कम खर्च में ज़्यादा का मज़ा वाला मिल जाएगा। और अगर हम डिलीवरी की बात करें कि क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर में ये इजीली पहुँच जाएगा? जी फिजान भाई, बिल्कुल बिल्कुल ईजीली ये पहुँच सकता है। अब तो आपको पता है हम जदीद दौर में बैठे हुए हैं और लाहौर शहर के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो आपको किसी भी किस्म, आपके कोई भी व्यूवर्स को किसी को भी कूलर चाहिए हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसको ये कूलर प्रोवाइड कर सकते हैं। यूसुफ भाई, आखिर में इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बताते चलें कि एक दफ़ा एक बंदे ने ये लगा लिया, क्योंकि एसी तो आपको पता है साला साल चलते हैं, तो क्या ये भी साला साल चल पाएगा? सर, सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास इस वक्त जो है ना, पिछले 2 सालों में तो ज़्यादा कस्टमर वो था जो मिडल ईस्ट में रहता है, वो इसको जब हमारी वीडियो को आपके उससे देखता था या हमारे उससे देखता था तो वो ही कस्टमर इसको बाय करता था, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है, वो इससे सेटिस्फाई है। लेकिन लास्ट ईयर और इस साल से हमने देखा है कि हमारे पास लोकल कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने वाकफों के पास जो पिछले 3-4 साल 5 सालों से जिनके पास चल रहा है, और उन्होंने हमें बताया है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक तो ना तो इसकी बॉडी गलती है, हमारे जितने लॉरी कूलर लोकल कूलर आते हैं उनकी बॉडी अक्सर लीक हो जाती है कुछ अर्से बाद, तो इसकी बॉडी का भी लीक होने का खदशा नहीं होता। उसके अलावा चूँकि ये ईरान से बिल्ट होके आता है तो इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ईरान इसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर आप ये देखें, ये साइकार इनका एक वहाँ का एक जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफाइड है ये, ठीक हो गया। तो इसकी जो बॉडी है वो सारा कुछ जो है वो इतना अच्छा और इतना बेहतरीन बना हुआ है कि ये आपका 10-15 साल कहीं नहीं जाता इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपके वक्त का। तो ले जी, मैंने आपको गर्मी और महंगी बिजली का तोड़ जो है ईरानी फ्लोर दिखा दिया है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो तो फ़ौरन इसे ले आएँ ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।